चलो जी हम चलते हैं अंदर, पेपर देके आते हैं। होप सो कि हमारा पेपर अच्छे से जाए दोनों का। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। सो रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर एक पोल डाला था, शुड आई अपलोड स्टडी व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स और प्रैंक कॉल। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई स्टडी व्लॉग्स बनाओ, और पोल पे सबसे ज्यादा वोट आए थे कि स्टडी व्लॉग्स बनाओ। मोस्टली बारे में क्या करता था, मैंने स्टडी व्लॉग्स बंद करे थे, बहुत सारों का कहना था डायरेक्ट। तो अभी फिलहाल फिर से और एक बार हमारे स्टडी व्लॉग के साथ, लेकिन कमेंट्स में बता देना आपको किस टाइप के स्टडी व्लॉग चाहिए। 24 आवर्स चलें, 12 आवर्स चलें, या डे स्टडी चलें, नाइट स्टडी चलें, या जिस भी तरीके की आपको स्टडी व्लॉग चाहिए आप कमेंट्स में बता देना। ये वाला मैं फिलहाल ऐसे रैंडमली स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले हम उठे, अभी टाइम क्या आ रहा है, 10:30, अभी लगभग 10:32, अभी 10:32 आ रहा है टाइम। तो अभी फिलहाल हमारे पास है 2-3 घंटा 1 बजने तक, ठीक है। 1 बजे तक हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर 1 बजे खाना वगैरह जो होता है हमारे डेली रूटीन, फिर इसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल मैंने रैंडमली व्लॉग किया स्टार्ट स्टडी व्लॉग। तो वरना मोस्टली मैं करता भी क्या था, मैं स्टडी वगैरह करता था अच्छे से, लेकिन मैं फिर अपने फ्री टाइम में 1-2 घंटा निकाल के बाहर जाता था, डेली व्लॉग करता था, फिर वो अपलोड करता था। लेकिन नहीं, आप सबने बहुत सारा प्यार दिखाया कि भाई स्टडी व्लॉग्स बनाओ, और बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए थे कि भाई हमें थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। मैंने फिर से सोचा चलो कंटिन्यू करते हैं स्टडी व्लॉग्स के, भी डेली व्लॉग्स भी आया करेंगे और स्टडी व्लॉग्स भी, तो मिक्स में होगा। अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते, और आप सबने कुछ रियलाइज करा होगा हमारा जो सेटअप था वो इस साइड था, लेकिन हमने इस साइड करा वो क्यों, क्योंकि मेरा कजन आया हुआ है, तो ये लगभग पिछले 5-10 दिन से यहीं पे बैठा है। इसने बोला कि मुझे भी आपके साथ पढ़ना, इकट्ठे पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये पिछले लगभग 5-10 दिन से यहीं पे, और एग्जाम तक यही रहेगा मेरे साथ, इसलिए वहां पे दो अच्छे से नहीं थे कंफर्टेबल, तो हमने सेटअप चेंज कर दिया, इसके साथ अच्छे से बैठ सकते हैं, दैट्स व्हाई कि हमने इस साइड लाया। ओके, तो फिलहाल जल्द से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ रहता है। तो आज हमारा पेपर भी है ना, आज हमारा पेपर है 4 बजे। हमारे यहाँ पे एक टीचर है, वो अपना रिश्तेदारी है, तो वो हमें एग्जाम लेता। कल और परसों भी हम वहाँ पे गए थे, लेकिन वहां पे पढ़ते पढ़ते कुछ भी नहीं है, बस हम डायरेक्टली एग्जाम लेते क्योंकि बहुत कम टाइम बचा एग्जाम के लिए। तो आज हमारा वहां पे पेपर भी है, मैथ का पेपर हमारा होने वाला है। फिलहाल जल्दी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ रहता है, ठीक है। सो यस, खाना खाओ, नमाज पढ़ो, लेकिन आज सीरियसली ना किसी ने बुलाया ना कुछ, 1:51 हो रहा है टाइम, वरना 1 बजे वो बुलाते थे, आज वो खाना खाओ नमाज पढ़ो, हमें भी नहीं पता चला टाइम कहाँ से गुजरा। जस्ट नीचे जाते हैं, खाना खाते एंड नमाज पढ़ते एंड इसके बाद फिर से कंटिन्यू करते, ठीक है। सर जी, तो क्या पहले ही बैठा है भाई, कुछ नहीं है, आराम से चलना, ठीक है। ओके, सो गाइस हम घर से निकला है, खाना वगैरह हमने खा लिया अच्छे से, तो फिलहाल हम त्राल जा रहे हैं, पहले घर वालों का काम करके आते हैं, कुछ रोटी वगैरह लानी है एंड इसके बाद फिर 4 बजे हमें वहां भी जाना है पेपर देने, तो घर से आते हैं एंड इसके बाद फिर से थोड़ा नजर देंगे एंड फिर चलते पेपर देने, ठीक है। फिलहाल हम चल रहे हैं त्राल की ओर, सो चलो जी, थोड़ी बोली बाकी है सर जी। चलो जी, ये आगे जी हम बेकरी शॉप पे। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले सैंडविच एक दे दीजिए, ये वाला सैंडविच एक। थैंक यू सर जी। ओके, सो फिलहाल गाइस पहले खुद कुछ हल्का सा खाते हैं, इसके बाद फिर घर वालों का काम करते हैं, ठीक है। हमें कुछ रोटी वगैरह लेनी है, तो पहले सैंडविच खाते हैं।
ओके एंड फाइनली गाइस वी आर बैक टू द होम। सर जी अब उतरे मैं गाड़ी ही पे रखता हूँ क्योंकि पता नहीं कभी भी कोई भी काम पड़ सकता है, दैट्स व्हाई। ओके जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ रोटी उतार रोटी उतार। ये भी ले ये भी ले अपने साथ ही। जी जी सर जी आप ओके सो गाइज वो टाइम आ चुका है जबकि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हम जस्ट निकाल रहे भी 20 मिनट कम चार हो रहा है टाइम, 20 मिनट पहले हम निकाल रहे हैं, अच्छे से जाएंगे। तो क्या बताऊँ, होप सो कि सब कुछ अच्छे से रहे, हमारे पेपर से अच्छे से जाए। आज हमारा 50 पोर्शन का है मैथ का, और कल फिर और 50 का या परसों, फिर एक दो दिन बाद पूरे मैथ का, ठीक है। तो रोटी वगैरह मैंने पहले घर वालों को दे दी, हम 10-20 मिनट यहीं पे बैठे थे, तो फिर से निकलते एंड पेपर दे के आते, ठीक है। चलो जी सर जी, चलो जी उठा दे अपने बैग, एक ही बैग में सब कुछ। कसम से लेट हुआ थोड़ा जल्दी, फिलहाल हम बाइक ले रहे साथ, गाड़ी को यहीं पे रहने देते। ओके चलो आराम से ना 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 आ जाओ। चलो जी सो गाइस ये पहुंच गए जी हम, बस यहीं पे रखो बाइक। ओके चलो जी हम चलते हैं अंदर, पेपर दे के आते हैं, होप सो कि हमारा पेपर अच्छे से जाए दोनों का, तो पेपर दे के फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। ओके तो फिलहाल गए हम निकल पड़े वहाँ से वापस, और माशाल्लाह अच्छे से हमने पेपर वगैरह दे दिया। तो इसने रैंडमली ऐसे क्वेश्चन पूछे, पेपर वगैरह नहीं था, बोला कि पहले 50 पोर्शन का और दो ऐसे रैंडमली, फिर 100 पोर्शन का अच्छे से होगा पेपर पे, ठीक है। तो फिलहाल हम वापस निकल रहे हैं घर की ओर। ओके सो गाइस अभी शाम के 10 बज रहे, शाम के कह लो या रात के जो भी, तो वहाँ से आके जब मैं घर पहुँचा तो यहाँ पे ननिहाल वाले आए थे, मेरे मामू आए थे, तो इनकी बेटी साथ ही, और जो यहाँ पे मेरी कजन सिस्टर है, तो वो दोनों लगभग एज में सेम है, एक दो साल के अराउंड दोनों हैं, तो वो अच्छे से आपस में खेल रहे थे। तो शाम से हम भी इनके साथ खेल रहे थे, मजे कर रहे थे, वहीं पे बैठे थे। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, पहले वो देखो इसके बाद फिर करते बात, ठीक है। तो देख लीजिए जी कितने अच्छे से आपस में खेलते हैं। तो शाम से हम इनके साथ बैठे थे, थोड़ा बहुत फन कर रहे थे इनके साथ। फिलहाल हम नीचे से खाना खा के आ गए, तो अब वो खा रहे, पहले हमने खाया। तो फिलहाल इसके साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड, आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।